हेलो एरीज, वेलकम टू ग्रो माइंड दी टैरो। और ये रीडिंग है अक्टूबर के सेकंड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस सेकंड वीक में। एक्सक्यूज मी, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड। तो यहां पे फोर ऑफ पेंटिकल्स के साथ आई थिंक आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा कंसर्न है अपने पैसों को लेके, या मैं कहूँ कि बहुत ही ज़्यादा कंजूस होता जा रहा है। उन्हें लग रहा है कि उन्हें अपने पैसे बचाने की ज़रूरत है, उन्हें कमिटमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो यू नो लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि उनकी ही है, वो उन पे बोझ बन जाएगी। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो इसके लिए रेडी नहीं है, और उन्हें ऐसा लगता है कि दूसरों को उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाना उनका काम है, पर उन्हें फिर भी ऐसा लग रहा है कि दूसरे लोग सिर्फ उनका फ़ायदा उठाना चाहते हैं या एडवांटेज लेना चाहते हैं, और उनके साथ गलत हो रहा है। अगर यू नो उन्हें अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़े, तो ये एक तरीके से उनके नज़र में कुछ ऐसा है जो गलत है। उन्हें लगता है कि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए, उनको खुद की उठानी चाहिए। रिलेशनशिप तो ठीक है, मगर फाइनेंसेस बिल्कुल सेपरेट होने चाहिए। हालांकि जब बात आप पे आती है तो ये पर्सन बहुत रेडी है आपकी मदद लेने के लिए, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स को आप देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन है, कम से कम इस पॉइंट पे। तो अब प्रैक्टिकल होने का मतलब मेरा ये बिल्कुल भी नहीं है कि इस पर्सन के अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है या ये रोमांटिक नहीं है, पर इनका प्रैक्टिकल साइड इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि वो अक्सर इनके सारे दूसरे साइड्स पे या पर्सनालिटी ट्रेट्स पे भारी पड़ता है। और ये पर्सन लास्ट में हर चीज़ को फायदे और नुकसान की नज़र से देखने लगते हैं। शायद इनकी अपब्रिंगिंग ही ऐसी है, क्योंकि सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन दूसरों को इम्प्रेस करने में भी बहुत यकीन रखता है, अपनी सोशल इमेज के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचता है। एंड यू नो दूसरे शायद इन्हें बता रहे हैं कि इन्हें सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचना चाहिए, या अगर ये अपने पार्टनर से किसी तरीके का फेवर ले सके, किसी तरीके की हेल्प ले सके, तो इससे बड़ी बात कुछ और नहीं हो सकती, क्योंकि इससे ये प्रूव हो जाएगा कि वो कितने डिज़ायरेबल है, कितने वांटेड है, और इसीलिए ये पर्सन इस तरह की हरकतें कर रहा है। पूरी तरह से मिसगाइडेड है, और कुछ अपनी आदतों के कारण भी मजबूर है, और कुछ समझ नहीं पा रहा इस पॉइंट पे। ओके, ये पर्सन कॉन्टिन्यूसली कोशिश कर रहा है अपने हालातों से लड़ने की। वो चाहते हैं कि उन्हें कुछ भी करना ना पड़े और ये रिलेशनशिप भी बच जाए। आप जो भी पूछेंगे या जो भी सवाल करेंगे, ये पर्सन आपको डिप्लोमेटिक आंसर देने की कोशिश करेगा कि वो इस वजह से कमिटमेंट नहीं कर पा रहे, उस वजह से कमिटमेंट नहीं कर पा रहे,
वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा नहीं सकते, आप तो जानते ही हैं कि वो कितनी मुश्किलों में है, इस तरह की चीजें, ताकि आप खुद ही ये कहें कि ओके मैं आपकी मदद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या फिर आपको मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं, मैं अपना खुद कर सकता हूँ इंतजाम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज का। इस तरह की फनी चीजें कुछ हो सकती है, बहुत ही वियर्ड रीडिंग है और मुझे रीड करते हुए बहुत अजीब लग रही है, पर ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ अपने पेंटिकल्स के बारे में सोच रहा है इस पॉइंट पे। द वर्ल्ड के साथ यहाँ पे इस पर्सन का ऐसा लगता है कि एक बार अगर आप दोनों डिस्कस कर ले फाइनेंसेस के बारे में क्लियरली, तो फिर सब कुछ अच्छा है। ओके, अगर आप जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर आप उसको भी शेयर कर लें, और उनके ऊपर से जितना भी बर्डन है वो हटा ले, तो क्या बात है। द वर्ल्ड के साथ ये पर्सन बहुत खुश रहेगा, उन्हें ऐसा लगता है कि आपके और उनके बीच सब कुछ परफेक्ट है। अगर ये फाइनेंसेस का मेस ना हो, टेंशन ना हो, और अगर आप उनसे कुछ एक्सपेक्ट ना करें, तो ये एक बहुत वियर्ड सिचुएशन है। ये पर्सन आपसे सब कुछ लेने के लिए रेडी है, पर उसके बदले में दे कुछ भी नहीं रहा। आपको अब अपने बारे में सोचना चाहिए। ओके, हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेविल, द फूल, नाइन ऑफ कप्स, एज ऑफ कप्स, एंड नाइन ऑफ वॉन्ड्स। तो हमारे पास नाइन ऑफ वॉन्ड्स है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये तो जर्नी है, ये आसान नहीं रही है आपके लिए। आप इस पर्सन की वजह से काफी परेशान नजर आ रहे हैं, और अब ये वक्त है अपने वर्थ को रियलाइज करने का। द फूल आपसे कह रहा है जो आप कहना चाहते हैं उसे खुल के क्यों नहीं कह रहे हैं, अपने मन के अंदर क्यों बातों को दबा रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई चीज आपको बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल कर देगी, या ये पर्सन बहुत ज्यादा मीन और प्रैक्टिकल हो रहा है, ये वक्त है अपने लिए स्टैंड करने का और कहने का कि आप क्या चाहते हैं। क्योंकि नाइन ऑफ कप्स के साथ जो कुछ भी आप चाहते हैं यूनिवर्स आपको देना चाहता है। यूनिवर्स नहीं चाहता कि आप कॉम्प्रोमाइज करें, सेक्रीफाइस करें एक ऐसे रिलेशनशिप के लिए जो आपको उतना नहीं दे रहा जितना कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। आई मीन डेफिनेटली यहाँ पे जरूरी है कि आपको भी उतना लव मिले जितना आप दे रहे हैं। भले ही लव अनकंडीशनल होना चाहिए, पर इस पॉइंट पे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ एस्टीम को वैल्यू करना बहुत जरूरी है। एस ऑफ कप्स के साथ ये समझिए कि आप कौन हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने सेल्फ वर्थ को इग्नोर कर रहे हैं। ओके, द डेविल जो कुछ भी कर रहा है उसका सिर्फ एक ही इलाज है, वो ये कि आप खुल के इस पर्सन को ये बता दें कि आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या बाउंड्रीज हैं। आप खुद भी उन बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करें और इन्हें भी उस बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करने को कहें, क्योंकि जब तक बाउंड्रीज नहीं ड्रॉ होंगी इस तरह की चीजें होती रहेंगी और आप परेशान होते रहेंगे। चलिए देखते हैं आपके लिए और तो मैसेज क्या है। मदर मैरी, लव एंड पीस।
go of the need to be right. Choose peace. Mother healing is possible at this time. तो आपको कहा जा रहा है कि हमेशा सही होना जरूरी नहीं होता और सबसे बड़ी बात होती है मेंटल पीस, खुद की हीलिंग. तो यहाँ पे जो लोग आपको हर्ट कर रहे हैं उनको अब आपको कट ऑफ कर देना चाहिए. जरूरी नहीं कि आप उनसे डील ही करें या उनके बारे में सोचते रहें, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ देगा. पीस को चूज कीजिए, आपके मन को शांति मिलेगी, आप हील करेंगे और यही सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए. तो ये है रीडिंग अक्टूबर के सेकेंड वीक की. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय.